अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm so happy. मुझे बड़ी खुशी है कि तुम चंपा से प्यार करते हो और चंपा से शादी करना चाहते हो। That's really good. लेकिन मैं एक बात तुम्हारे कान में डालना चाहता हूँ कि हम लोग दहेज। अरे नहीं भैया, सोचिए भी मत ऐसा। मुझे तो नफरत है दहेज से। मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज नहीं लूंगा मैं। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा आप दहेज लें या न लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दहेज लेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं भैया आप दहेज कैसे लेंगे? आप तो लड़की वाले हैं ना। तो व्हाट डू मीन मैं लड़की वाले हैं यार? देखो हमारी ना खानदानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने दहेज लिया है। एंड आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। अगर आप दहेज के 2 लाख रुपए हमें देंगे तो आपकी शादी होगी चंपा से, वरना शादी नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू यू? यानी आप अपनी बहन को बेचना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सेल योर सिस्टर ऑफ। आपको जो समझना समझिए, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए देंगे तभी आपकी शादी होगी, वरना बाय बाय टाटा। आप किस मिट्टी की बनी है? आपके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी ज्यादती हो रही है, ये 2 सस्ती औरतें आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हैं और आप। तिवारी जी। भाभी जी? मत कहिए मुझे भाभी जी। आपके हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ जी और नंद को सस्ती औरतें कहने की? हाँ तो भाभी जी, इनमें ऐसी कोई महंगी वाली बात भी तो नजर नहीं आ रही है। महंगी वाली बात तो आज तक मुझे आप में भी नजर नहीं आई है। भाभी जी, आप हमें सस्ता कह रही? जी हाँ, आप निहायत ही सस्ते आदमी है तिवारी जी। और जो धंधा करते हैं ना आप कच्चे बनियान का, वो और भी सस्ता धंधा है। भूरे अंकल ने मुझे एक बार कहा था कि उनका दामाद बहुत ही सस्ता आदमी है। आज मुझे ना उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है आपको देख के। भाभी जी, आप हमें सस्ता कहें या जो भी कहें हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी नहीं बल्कि आपकी चिंता है। क्यों तिवारी जी, आप मेरे भैया हैं। तुम पड़ोसी हैं भाभी जी, पड़ोसी। पड़ोसी है ना तो पड़ोसी की सीमा में रहिए। और आइंदा से अगर आपने मेरे खानदान के बारे में, स्पेशली मेरी बुआ जी और नंद के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना, तो आई वोंट स्पेयर यू। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और यूं करना बंद करिए, बस जाइए यहां से, आप बस चले जाइए यहां से। गेट लॉस्ट। यस डार्लिंग, आई विल सेंड यू माय किसेस। हवलदार जी, रात में जी नहीं भरता है क्या? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। सक्सेना जी, आप यहाँ क्यों आए प्लीज बताइए? आप देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा है हवलदार जी, मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। चलिए लिखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके खिलाफ? विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ। विभूति नारायण मिश्रा अपनी सिस्टर की शादी मुझसे कराने की एवज में 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं मुझसे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लड़की वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं? फिर तो कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि अगर आप दहेज मांगते तो हम आपको अरेस्ट करते, क्योंकि आप लड़के वाले हैं। कानून की कौन सी किताब पढ़ के आ हुए हमें तो ना जो बता। जय हिंद सर। ना ना, जय हिंद तो ठीक है, किताब कौन सी पढ़ के आओ हमें जो बता। वो सर ये का पुड़िया बांध रहा वो सक्सेना। सक्सेना बताओ क्या बात है? अरे दरोगा जी, मैं यहाँ पे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। वो अपनी सिस्टर की शादी मुझसे कराने की एवज में मुझसे 2 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो केस कैसे बनेगा सर? हाँ, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो बेशक केस बनता है। आज की बात तू हमसे जो सवाल कबू ना करिए कि तेरी तरक्की काय नहीं भाई जिंदगी। हवलदार बनने के लायक नहीं है वैसे देखो जाए तो। लेकिन सर सब कर।
हमें ज्ञान दे रहा है सारे। दहेज चाहे लड़की को बाप मांगे चाहे लड़का को बाप मांगे, दहेज मांगनू ही जुर्म है। बात खत्म हो गई थे उंगर ये रख। तो मामे तने पूरा किस्सा बताओ पहले, बात का है? असल में बात यह है दरोगा जी, अब जो करो सबसे पहले एक बढ़िया सो जाल बिछाने पड़ेगा बाकू दबोचने के लाने। कैसा जाल? कहने ते लिया जी। असल में तुम्हें तो काय घोच रही? मैंने तू तो काय घोच रहा हुए? दो बड़े जब बात करती होती हैं तो वैसे भी छोटों को घोचना होनी चाहिए, और तू तो वैसे ज्यादा छोटो है। आई एग्री, फिर भी मैं प्लान में शामिल होना चाहता हूँ सर। मरो। पाए लागू जीते रहो जाते रहो। जरा हटिए। क्या रे? हम बात करने। हाँ जा रहे लिए। ये आजकल के लौंडा लौंडियन को तनखा भी जबर नहीं है। आई लाइक इट। जवान बच्चे है और आपने भी तो अपनी जवानी में काफी मजे लूटे। क्यों इन बुजुर्गों से हमारा कोई आपने परिचय नहीं कराया? सक्सेना ये लड़की देखते चालू हो गए। सक्सेना जी हेलो। हाँ भैया परिचय तो कराइए। अरे सॉरी 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 भैया, एक्चुअली बात ये है ना कि जब भी मैं चंपा को देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। तो फिलहाल इधर भी देख ले भाई। मैं डीडी आपका परिचय करवाता हूँ। ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं ये मेरे ताऊ जी हैं चोखे लाल सक्सेना, और ये चश्मे वाला मेरा छोटा भाई है धोखे लाल सक्सेना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।